और 11,500। अगर आपकी तिजोरी में इतने चिल्लर हैं, तो आप लखपति कहाँ, बताता हूँ। well, आप मानो या ना मानो, ये सच है। पर ये सच जिम्बाब्वे के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ लोग अपनी सैलरी लेने ट्रक लेकर जाते हैं। अब आप ही सोचो, ऐसे देश में आपका हजारों का चिल्लर कितने लाख में बदलेगा। और ये तो दुनिया में जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है। पर इंडिया के कितने रुपए आपको वहाँ लखपति बनाएंगे, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आरबी सेंस। आज मैं आपको कुछ ऐसे देशों में लेके चलूंगा जहां अगर आपके पास कम पैसे हो तो भी आप लखपति जैसा फील कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। नंबर वन, पैराग्वे। 1 गुआरानी 2 गुआरानी 3 गुआरानी 4। इतना पैसा कि गिनते जाओगे यार। पैक भाई के इस शेर को याद कर लो भाई लोग, क्योंकि हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका बोले तो पैराग्वे आपको लखपति बनाकर रहेगा, वो भी सिर्फ 11,500 रुपए में। जी हाँ, क्योंकि हमारा एक रुपया वहाँ के 87.70 गुआरानी के बराबर है। और गुआरानी ये नाम उनकी करेंसी को वहाँ के गुआरानी लोगों और उनकी गुआरानी भाषा से मिला है। वहाँ पुरानी सभ्यता के नजारे, नई दुनिया और निसर्ग का संगम ही नहीं, आपको वहाँ के लोग और उनका दोस्ताना मिजाज भी ऐसा भाएगा कि आप बार बार वहाँ जाना चाहोगे। लेकिन अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलिविया से घिरे इस देश में एक और खासियत है। इस देश के ज्यादातर घरों में डोरबेल बोले तो घंटी नहीं है, तो ये बजाते क्या है? वेल, ताली बोले तो अगर आप वहाँ पहुँचे और किसी के घर गए तो दरवाजा नहीं, ताली बजाना। नंबर 2, आइसलैंड एंड कोलम्बिया। आइसलैंड, आप इस देश को कैसे जानते हो? वाइकिंग्स, ब्लू लगून और उसके सुंदर नजारों के लिए, राइट? पर आज फैक्ट भाई आपको कुछ नया बताएगा। आइसलैंड वो देश तो है जहां कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं, लेकिन ये वो देश भी है जहां पुलिस बिना गन के घूमती है। यस, 3,75,318 पॉपुलेशन वाले देश में हर दूसरा इंसान पहचान वाला है, और उसी के चलते इस देश का क्राइम रेट भी ना के बराबर है। मतलब आप यहाँ गए तो आप भी सेफ और आपका एक रुपया 1.61 क्रोना भी। पर एक देश इतना सेफ कि उसके प्रेसिडेंट रास्तों पर वॉक पे निकल जाए, तो वही है कोलम्बिया। 2002 से 2010 तक इस देश के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालने वाले अलवारो उरीबे पे 15 बार जानलेवा हमले हुए। फैक्ट भाई आपको डरा नहीं रहा है, बस बता रहा है ताकि अगर आप 20,000 रुपए का 10,00,000 पैसों करने जाओ तो आपको पता रहे कि आप कौन सा खतरा मोल ले रहे हो। पर अगर आप खुद को खतरों के खिलाड़ी मानते हैं तो जाइए और कोलंबिया की गलियों में पैसे उड़ाइए जैसे घर की बारात में दूल्हे के चाचा उड़ाते हैं। नंबर 3, जिम्बाब्वे। एक एम्प्लॉई को बोनस में क्या मिल सकता है? आधी सैलरी, बॉस की दी पिज्जा पार्टी या फिर एक घंटा सोने का मौका, राइट? पर जिम्बाब्वे में तो पूरी जमीन बोनस के तौर पे मिल सकती है। और ये फैक्ट भाई यूं ही नहीं बोल रहा, यहाँ गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को $1.5 लाख की जमीन ऑफर की थी, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन। पर यहाँ की करेंसी और जमीन इतनी बंजर है कि एम्प्लॉयज ने इसे डर के मारे ठुकरा दिया। अब आप ही सोचो कि ऐसे में एक भारतीय नागरिक वहाँ पे जाए तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये कि जिम्बाब्वे में कुल 2 करेंसी चलती है, US डॉलर और जिम्बाब्वे डॉलर। और अगर इंडियन 1 रुपए की ताकत को यहाँ आजमाया जाए तो आपको बदले में जिम्बाब्वे की 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, या 3.8 जिम्बाब्वे डॉलर्स। पर इतनी गरीबी के बावजूद यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। इनफैक्ट जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा देश है, तो शायद पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाली कहावत यहाँ गलत साबित होती है। नंबर 4, म्यांमार। म्यांमार, इंडिया में ऐसा करोगे तो लड़की भाग जाएगी, और ऐसा म्यांमार में किया लड़की पास रह जाएगी। पर ऐसे टेढ़े रिचुअल्स वाले देश में अगर लड़की को हमेशा साथ रखना है तो पैसा कहाँ से आएगा दोस्त? तो उसके लिए आपको बस 1 500 की हरी पत्ती लगेगी। अगर आपको फैक्ट भाई की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो देखो, म्यांमार में रुपए का भाव काफी ऊपर है, और उसी तरह म्यांमार में हर चीज का खर्चा भी ज्यादा है। जहां इंडिया में आपको 1 स्क्वायर फीट खरीदने के लिए 80,000 का खर्चा करना पड़ेगा, वहीं म्यांमार में इसके लिए आपको सिर्फ 9,500 रुपए यानी 2,40,000 के आठ ही भरने पड़ेंगे। मगर यहाँ अगर कुछ कम है तो वो है यहाँ की पॉपुलेशन। पर जल्दी यहाँ इंडियंस की लाइन लगने वाली है। कैसे? तो देखो, इंडिया बना रहा है एक रोड,
जो सीधा पहुंचेगा म्यांमार। और अगर इससे भी दूर जाना है तो आप वही रोड से थाईलैंड भी जा सकते हैं। और भाई लोग, अगर आप जा ही रहे हो तो वहाँ के मंदिर में पैर छूना मत भूलना। नंबर 5, पाकिस्तान। अगर आपके पास 2.5 लाख हैं तो मुबारक हो, आपको पाकिस्तान में मिलियनेयर का दर्जा दिया जाएगा। जी हाँ, बाकी चीजों की तरह पैसों के मामले में भी इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से आगे है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। हिंदुस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 3.70 रुपए के बराबर है। और अगर पाकिस्तान की महंगी चीजें जैसे कार और बाइक्स की बात करें तो भाई लोग, जहां सेम बाइक इंडिया में 50,000 में बिकती है, पाकिस्तानियों को इसके 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। शायद इसी को लेकर हाल ही में लगाए 40 करोड़ के फ्लैग पर हर दूसरा पाकिस्तानी भड़का हुआ है, जहां हॉस्पिटल में 10 रुपए की इंजेक्शन के भी पैसे नहीं है। तो अब ऐसे हालात में अगर आप अमीरों वाली फीलिंग लेना चाहते हो तो आप समझौता एक्सप्रेस में बैठ सकते हो, या फिर सीमा हैदर की तरह 2 देश घूम के पाकिस्तान पहुंच सकते हो। लेकिन भाई लोग, क्या ऐसा हाल 1947 से है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आजादी के 1 साल तक इनकी नोट्स को इंडिया ही प्रिंट करता था, जिसके बाद सारा जिम्मा इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो क्या लगता है, पाकिस्तान कभी अपने हालातों से उबर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा देश आपको सबसे अच्छा लगा और किस देश में आप जाना चाहते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।